हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुरा है, आप लोग मुझे देख रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी की लेक्चर सीरीज़ के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने कॉजेज बिहाइंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को डिस्कस करा था और इसके सारे सारे वेरियस फेसेट्स देख लेते। इस वीडियो के अंदर अपन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है उसके बारे में देखेंगे। इसके ऊपर वैसे ईस्टर्न जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, बट जो है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट उसको भी थोड़े थोड़े हिंट्स उसके देते रहते हैं, इसलिए अपन एक बार एक बेसिक उसका आइडिया देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर अपन रेन कॉरिडोर वगैरह के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को अगर अपन शुरू करें तो आई होप सबसे पहले हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको एक पार्ट एक जो है वो इंस्टेंस याद आएगा, जिस इंस्टेंस के अंदर क्या चीज़ हो रही थी, जिस इंस्टेंस के अंदर जो है जो सचिन सॉरी जो कानू सान्याल एंड जो चारू मजुमदार थे, इन दोनों को भागना पड़ा था। कहाँ से? नक्सलवारी रीजन से। ठीक है, वहाँ पर जो भी नक्सलवारी अपराइजिंग वगैरह हुई थी उसके बाद ये वहाँ से भाग गए थे, है ना। उस समय पर ये जो है भाग कर गए थे आसाम में, बट आसाम के अंदर। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं थे, बाकी अलग काफ़ी सारे वेरियस और भी काफ़ी सारे ग्रुप्स थे, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम वगैरह गेन नहीं कर पाते हैं। कोशिशें करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम गेन नहीं होता, तो ये चीज़ तो यहाँ पर एंड हो जाती है। फिर उसके बाद जो है काफ़ी बार जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही होती है, और जो यहाँ पर जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो माओइस्ट ग्रुप्स हैं वो कई बार इस तरीके की कोशिश करते हैं कि ये किसी तरीके से कनेक्ट बना पाएँ जो अदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ में, इंक्लूडिंग उल्फा एंड NSCN एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट अपन को ऐसा देखने को भी मिलता है जहाँ पर माओइस्ट ग्रुप्स और उल्फा इन दोनों की थोड़ी बहुत दोस्ती वगैरह बनती है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती है ड्यू टू वेरियस रीजन्स। भाई इनकी आइडियोलॉजी अलग है, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, दोनों को ट्राइबल्स की ज़रूरत है समझ में आया। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ चल नहीं पाती है। और जो है फिर क्या चीज़ होती है, फिर उसके मतलब ये बहुत ज़्यादा कोई खास कॉर्डियल बहुत ज़्यादा एकदम घनिष्ठ मित्रता नहीं है इन दोनों के बीच में, है ना। और इसके बाद जो है फाइनली इनको समझ में आता है कि भाई नहीं, ठीक है, अपन तो जो आदिवासी हैं उनके ऊपर अगर फोकस करें तो ही बेहतर है। तो ये यहाँ के आसाम के और जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ के आदिवासी के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि भाई आदिवासी के ऊपर अब फोकस करना शुरू करा है, पहले ही एजेंडा ही इनका आदिवासी हैं, तो पहले से आदिवासी के साथ में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो है ये दोनों चीज़ों से ज़्यादा हमको कोई फ्रूटफुलनेस हमको मिली नहीं, तो जो है उनके ऊपर फोकस करते हैं और इसीलिए यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है आसाम आदिवासी लिबरेशन आर्मी। एक और चीज़ यहाँ पर है अनला। ठीक है, तो ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी। ठीक है, तो इस चीज़ को ये बनाते हैं। किस चीज़ को बनाते हैं बताओ? ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी। ठीक है, इस चीज़ को बनाते हैं। ऐसा लग रहा भूत चला दिया किसी ने ठीक है, अनला। ठीक है, तो इस चीज़ को ये बनाते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया, 1967 नक्सलबारी वगैरह ये सब मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी सारे ग्रुप्स ने एस्केप वगैरह करा बट कोई ज़्यादा फ्रूटफुलनेस ये निकली नहीं। कोलिशन बनाने की कोशिश करी जो पीपल्स वॉर ग्रुप है एंड जो उल्फा है, इन दोनों के लिंक्स वगैरह भी अपन को देखने को मिले हैं, लेकिन कोई ज़्यादा इनके भी फ्रूट्स वगैरह थे नहीं। उसके अलावा अगर आगे बढ़े इससे तो आदिवासी के ऊपर इन्होंने जो है मैक्सिमम फोकस डाला अपना, है ना, आसाम और बॉर्डरिंग एरियाज़ के अंदर। ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी बना दी। अच्छा, इनको ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करते हैं, और ट्रेनिंग कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? तो गेट्स ट्रेनिंग इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़। इसका बेसिक आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ, एंड दे कम बैक। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो अभी भी झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर ही हैं, तो यहाँ से आसाम से जो है इनको यहाँ पर भेजते हैं और उसके बाद जो है वापस यहाँ पर आके अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ लेकिन यहाँ पर आसाम और इस रीजन के अंदर माओइस्ट की नहीं है। ठीक है, लेट मी बी वेरी ब्लंट, माओइस्ट की बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ नहीं है। जिस तरीके एक्टिविटीज़ झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्रा के कुछ एरियाज़ के अंदर है, वैसी एक्टिविटीज़ जो है आसाम वगैरह रीजन्स के अंदर तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, अगर मतलब इस कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास ऑलरेडी गॉड फादर है तो छोटे मोटे फादर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसी तरीके से जैसे जो यहाँ पर जो है ऑलरेडी इंसर्जेंट्स वगैरह मिलिटेंट्स वगैरह दूसरे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, अब जैसे यहाँ पर आदिवासी की बात करी,
ठीक है। तो एक मज़ेदार पॉइंट आपको बताता हूँ, आदिवासी की बात करेंगे, भाई आदिवासी के ऊपर हमारा फोकस डालते हैं, और तुम क्या फोकस डालोगे वहाँ पे, ऑलरेडी आदिवासी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ये लोग, समझ में आया। तो NSCN हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो है उल्फा हो गया, है ना, उसके अलावा एक जो है UNFLA ऐसा कुछ नाम था, ठीक है, UNF ऐसा कुछ नाम था, वो हो गया। उसके अलावा बोडोलैंड वाले, अभी कुछ टाइम पहले तक बोडोलैंड वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उसके अलावा ऐसे बतेरों इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं है। NSCN के अंदर भी दो हैं, IM अलग है, खापलांग अलग है, ठीक है, और भी ऐसी बतेरों ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कोई हद नहीं है। आदिवासी मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, ट्राइबल पॉपुलेशन भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा रिच है जिसकी कोई हद नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो ऑलरेडी वो अपने जो है फुटहोल्ड ऑलरेडी जमा कर बैठे हैं, इसके इसके बाद यहाँ पे इनकी कोई बहुत ज़्यादा वो बनने वाली बात नहीं है। रेड कॉरिडोर की अगर अपन बात करें तो ये वो एरिया है जिसके अंदर यहाँ पर जो है नक्सलाइट्स थ्राइव करते हैं एक टाइम पहले की। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी यू नो प्रेज वर्दी। तो एक टाइम पहले की अगर अपन बात करें तो ये नेपाल के अंदर कुछ एक एरिया है, पशुपतिनाथ ऐसा कुछ एरिया है, ठीक है, वहाँ से लेकर के ऐसा कुछ क्या प्रोमिनेंट एरिया है, वहाँ से लेकर के कर्नाटक इस पूरे एरिया को क्लेम करते थे, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो है एक तरीके का ऐसे कॉरिडोर टाइप बना हुआ था, है ना, कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये नक्सलाइट एरिया है, और नक्सलाइट एरिया के अंदर ये थ्री प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं, है ना। वो थ्री प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी आई होप मैंने आपको बताई हो। फर्स्ट स्ट्रैटेजी के अंदर तो ये करते हैं कि भाई ये एक जो है एरिया वगैरह उसको कमांड करते हैं, वहाँ पर लड़ाई भिड़ाई खूब सारी करते हैं, फिर उसके बाद उस एरिया को नियरली इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं कि ये एरिया तो कम्प्लीटली हमारे अंडर है, पॉलिटिक्स वगैरह इकोनॉमिक्स वगैरह ये वो सब कुछ हमारी है यहाँ पर। फिर इसके बाद जो नेबरिंग जो आसपास के एरिया होते हैं वहाँ पर लड़ाई भिड़ाई शुरू करते हैं, है ना, तो वहाँ पे फिर जो है कंसोलिडेशन वगैरह करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो है धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, ये जो चीज़ लड़ाई भिड़ाई यहाँ पर चल रही होती है इसके साथ में अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसके भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इन तीन जो है स्टेजेस के अंदर ये लोग काम करते हैं, अंदर लड़ाई भिड़ाई करके पहले तो अंदर पूरा का पूरा स्ट्रांग होल्ड बना लिया इन्होंने, समझ में आया, फिर बाहर लड़ाई भिड़ाई कर रहे हैं, बाहर लड़ाई भिड़ाई के साथ में जो है उसके बाहर का काफ़ी सारा एरिया होता है वहाँ पर ही अपनी जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस प्रोपोगंडा सिंपथी वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी सारी चलाते हैं। तो अब इसकी अगर अपन बात करें 2007 का यह मैप देखो, दिस वॉज द नक्सल अफेक्टेड एरिया, समझ में आ रहा, यहाँ पे कुछ एक पॉकेट्स हैं, इन पॉकेट्स के अलावा इधर कुछ एक पॉकेट्स हैं, बट ये जो है लार्जली ये पूरा का पूरा एरिया है ना, और नेपाल के अंदर भी जा ही रहा है आप देखो इसको, है ना, ठीक है। तो ये ठीक है, सिक्किम में भी शायद टच हो रहा है ये, ठीक है, बाकी यहाँ पर ये दार्जिलिंग वगैरह वाला पूरा का पूरा एरिया कवर हो गया, ये पूरा पूरा वेस्ट बंगाल कवर हो गया, वेस्ट बंगाल में एक भी जगह नहीं बची है, आसाम के अंदर भी अपने पैर पसार चुके हैं, इसके अलावा बिहार कंप्लीटली कवर्ड है, झारखंड पूरी तरीके से कवर्ड है, छत्तीसगढ़ जो है मेजॉरिटी छत्तीसगढ़ कवर्ड है, मेजॉरिटी उड़ीसा कवर्ड है ना, उसके अलावा जो है पूरा का पूरा आंध्रा, पूरा का पूरा तेलंगाना, आधे से ज़्यादा केरला सॉरी कर्नाटका, उसके अलावा कुछ पार्ट्स केरला और तमिलनाडु के, काफ़ी सारा यहाँ पर ऊपर जो नदन तमिलनाडु है ये भी कवर कर रखा है, समझ में आया, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पर देखो आंध्रा और तेलंगाना तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा है, झारखंड बिहार नज़र ही नहीं आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। दिस वॉज द कवरेज, ये उस समय पर थी, है ना, तो दिस वॉज देन, वॉट इज नाउ, दिस इज नाउ, और ये भी 2018 का है, अभी 2023 चल रहा है, 5 साल हो चुके हैं इस बात को, आज की तारीख में इतना भी नहीं है, बस छोटे से पॉकेट्स हैं इतनी 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 जगहों पर बस, बाकी ये सब चीज़ें हट चुकी हैं। तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का ये तो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय काम है कि भाई उन्होंने इस केस के अंदर तो गज़ब का काम करा है, गज़ब का, समझ में, ठीक है। 77% ड्रॉप अपन को देखने को मिला है 2009 से लेकर के 2021 में, अभी 2023 चल रहा है, 77% ड्रॉप। बस एक इशू ये है कि छत्तीसगढ़ का एरिया जो है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का एरिया ये वाला थोड़ा सा भी बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया ही कवर हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ के एरिया के अंदर और ये वाला जो एरिया ना, ये छत्तीसगढ़ और आंध्रा का थोड़ा सा एरिया हो गया, और यहाँ पे झारखंड का थोड़ा सा एरिया हो गया, बिहार के अंदर भी बहुत ज़्यादा नहीं, उड़ीसा में प्रेजेंस देखने को मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये वाले जो एरियाज़ हैं इन एरियाज़ के अंदर अभी भी हैं, प्लस छत्तीसगढ़ के अंदर थोड़े डबल से ज़्यादा हो चुके हैं, ये जो है कंसोलिडेट कर लिया है इन्होंने अपने आप को, तो कंसोलिडेशन स्ट्रांग हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे वैसे तो नीड नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आया था 2013 के अंदर आया था,
उस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ पूछी गई थी कि नक्सलबारी फोकाई और जो अपना मलकानगिरी फोकाई है, इन दोनों के बारे में बता। तो अगर आप चाहो तो इनकी मैं जो है कुछ एक प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट वगैरह के नाम आपको वहाँ पे टेलीग्राम वगैरह के अंदर भेज सकता हूँ, बट उनकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, समझना। ठीक है, जैसे सुकमा हो गया, बस्तर हो गया, है ना, काफ़ी सारे हैं। आंध्रा के अंदर वाइजैग है, विशाखापट्टनम जिसको कहते हैं। विशाखापट्टनम के अलावा अभी वो RRR मूवी किसके ऊपर आई बताओ, अल्लूरी सीताराम राजू, है ना, तो उनके नाम की एक डिस्ट्रिक्ट भी है यहाँ पे। अल्लूरी सीताराम राजू इज़ द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है, ये सब डेटा है लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। बेल कर्व की अगर अपन बात करें तो देखो, कुछ एक इंटेलेक्चुअल्स वगैरह ने बेल कर्व की एक पूरी यहाँ पे जो है इसके बारे में बात करी थी। बेल कर्व में ऐसा बोलते हैं, देखो बेल कर्व बेसिक आपको पता ही होगा, ये कुछ इस तरीके से चलता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता है ना, फिर इसकी पीक अचीव होती है, फिर पीक अचीव होने के बाद थोड़ी सी देर स्टैगनेट होता है, स्टैगनेट होने के बाद में वापस जो है नीचे उतर जाता है, और फिर उसके बाद जो है नॉर्मल चल रहा होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है इन्होंने जो अपना नक्सलिज्म है इसकी बात करी, तो ये दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन। पहला पार्ट तो ये है जिसके अंदर इनको फितूर चढ़ा हुआ है, तो ये फितूर वाला पार्ट है। इस फितूर वाले पार्ट के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा रोमांटिक सपने वगैरह बिछा रखे हैं कि भाई अपन को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और कुछ बात नहीं अगर एक बैटल दो बैटल अगर अपन हार भी जाते हैं तो अपन वॉर जीतेंगे, वॉर, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, कितने ही बंदे मर रहे हैं मरने दो, उनके भी अपन उतने ही बंदे मारेंगे, ठीक है, तो अपन को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इस तरीके का ये फितूर के ऊपर चल रहे होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा अचीव होता है जब ये पीक वगैरह सब कुछ देख लेते हैं, इसके बाद में यहाँ से जो है डिक्लाइन होना शुरू होता है और यहाँ से फितूर उतरने लगता है और ये रियलिटी में आने लगते हैं। ये जो रियलिटी वाला फेज़ होता है, ये रियलिटी वाला फेज़ इस चीज़ से मार्क्ड होता है, ठीक है। ये ओवरऑल मिलिशियाज़ के बारे में इन्होंने बताया है ना, नक्सलिज्म का अभी तक ऐसा कोई रियलिटी वाला फेज़ आया नहीं है, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, जिन लोगों ने रियलाइज़ कर लिया उनका रियलिटी हो गया। बट यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर जो लीडर्स वगैरह हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स को भी समझ में आ जाता है कि दिस इज़ नॉट द वे एंड वी कैन नेवर ओवर पावर देम। अब क्या ओवर पावर करेंगे इधर, मुझे बताओ। ये है नक्सल अफेक्टेड एरिया और इसमें भी कुछ जगह जो है यहाँ पे कुछ एक पॉकेट्स वगैरह इन्होंने पकड़ रखी है, ये तो इसको इस तरीके से बना रखा है ताकि अपन को पता पड़े कि भाई एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर इंस्टेंसेस देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पर इन्होंने अपनी ऑटोनोमी घोषित कर ली, यहाँ पर नक्सलिज्म चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ पॉकेट्स के अंदर ये लोग देखने को मिलते हैं, अभी भी कुछ इंस्टेंसेस के अंदर छुपे फिरे रहते हैं इधर उधर, है ना। तो ये है जो नक्सलिज्म है एंड दिस इज इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया। क्या ये इंडिया को हराएंगे नहीं, क्या क्या करेंगे, इडियोटिक बातें हैं, समझना है। तो एक पॉइंट पर ये चीज़ रियलाइज होने लग जाती है कि ये इडियोटिक ड्रीम है, इसका कोई कोई जो है रियलिटी के अंदर, कोई वास्तविकता के अंदर इसको पूरा नहीं किया जा सकता, समझना। इसके अलावा अगर जो है आफ्टर अ पॉइंट स्टार्ट टू रियलाइज देर इज़ नो पॉइंट, वर्थलेस बात है, यूजलेस बात है, कितना भी दम लगा लें उनके दम में कभी भी। अब जैसे अपन तो अपनी ठीक है मिलिट्री वगैरह को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, मिलिट्री को यूटिलाइज़ करें तो सोचो क्या हालत हो, और मिलिट्री को यूटिलाइज़ ना करने का एक कारण ये भी है, यही है कि भाई दीज आर आवर पीपल, फाइनली है तो अपने बंदे ही ना, समझना, ठीक है, तो वो बात है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, वर्क डन। अब गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या काम करा है, नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, नहीं इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है कि अभी क्या क्या बाकी है वे फॉरवर्ड वाला, तो उसके ऊपर आते हैं। तो वर्क डन के अंदर अपन इसको तीन पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो जो गवर्नमेंट ने, सॉरी, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करा है ना, गवर्नमेंट के काम के अलावा अपन देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या काम करा है, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह ने क्या काम करा है। गवर्नमेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे वेरियस अलग 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 इन्होंने जो है स्कीम्स वगैरह चलाई है, जैसे कि एक तो पुलिस फोर्स का मॉडर्नाइजेशन है, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स है ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। दूसरी बात एक चलाई गई है LWE टावर स्कीम, ऐसा कुछ है, ठीक है, टावर स्कीम, जिसके अंदर क्या चीज़ होती है, तो वहाँ पे जो है नेटवर्किंग वगैरह नहीं है, ठीक है, तो नेटवर्क्स वगैरह के लिए नेटवर्क टावर्स वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा थर्ड चीज़ जो है, ये तो हल्का पॉइंट है ना, इसके अलावा थर्ड चीज़ जो है नीति आयोग ने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इस चीज़ को ये लेकर आए हैं। देखो बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिटेल में उतरने का कोई मतलब नहीं है,
इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि आपके पास इतनी जगह नहीं होगी इन सबको, मतलब जो है इनको एक्सप्लेन करने की। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, तो लेकिन इसको लिखने मत बैठना भाई अपने नोट्स वगैरह के अंदर। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर जो है जो भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट वगैरह को पढ़ते हैं जहाँ पर स्पेशल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, स्पेशल वहाँ पर जो है रिसोर्सेज वगैरह लगाने की ज़रूरत है, स्पेशल वहाँ पर जो है मेहनत वगैरह करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर जो है डेवलपमेंट वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह हो सके, ताकि वो जो है थोड़ी ढंग की जगह पर आ सके, है ना। इसके अलावा एक स्पेशल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम भी है, स्पेशल इंफ्रास्क्रीन स्कीम। इस स्पेशल इंफ्रा स्कीम के अंदर अपन क्या करते हैं, तो पुलिस स्टेशन जो है उन्हें फोर्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, क्योंकि ये इनकी टेंडेंसीज होती है कि भाई पुलिस स्टेशन को टॉर्च कर देंगे, पत्थरबाजी वगैरह करेंगे, फोड़ने तोड़ने की कोशिश करेंगे, बंदूकें बंदूकें चलाने की कोशिश करेंगे। तो अगर फोर्टिफिकेशन होगा ढंग का तो फिर इनको बचा सकते हैं अपन, है ना। ठीक है, फिफ्थ एक चीज़ है यहाँ पर स्पेशल, और जो है एक और कोई चीज़ थी CSCS ऐसे करके एक चीज़ है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ के अलावा और क्या चीज़ करिए यहाँ पर बताओ, है ना। समाधान स्कीम एक लेकर आए हैं, नहीं समाधान स्कीम तो उनकी है, समाधान को होल्ड करते हैं, चलो देखते हैं और क्या चीज़ है। तो नेशनल पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015, ये चीज़। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, ये मैंने आपको बता दिया। स्पेशल इंफ्रा स्कीम मैंने आपको बता दिया। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट, तो असिस्टेंट, तो SCA, ठीक है। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के अंदर क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह का हेल्प करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो लोकल बॉडीज़ वगैरह उन्हें हेल्प करने की कोशिश करते हैं। रोशनी स्कीम लेकर आया, रोशनी स्कीम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज़ फॉर ट्रेनिंग रूरल यूथ, ठीक है, प्रोवाइडिंग देम स्किल ट्रेनिंग, है ना, स्किल सेट्स। और उसके अलावा PM कौशल विकास योजना, PM कौशल विकास योजना भी चल रही है, ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए है, तो इसे याद रखना है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया। LWE मोबाइल टावर प्रोजेक्ट, है ना, ये फर्जी चीज़ है, ऐसे ही लगा दिया। फिर इसके बाद क्या है, दीज आर मोर देन इनफ, इनमें से अगर कोई चार पांच भी आपको याद हो जाए तो ठीक है। नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, स्पेशल इंफ्रा स्कीम, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, रोशनी स्कीम, PM कौशल विकास योजना, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम, और जो है LWE मोबाइल टावर प्रोजेक्ट। ये तो इन्होंने काम करा है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या क्या काम करा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि अलग अलग काफ़ी सारी जो है इस तरीके के बटालियंस रेस करे गए हैं, जैसे कि एक है बस्तर बटालियन। अभी बस्तर बटालियन बहुत ज़्यादा खास है, बस्तर बटालियन के अंदर बस इतना बस्तर बटालियन ही मैंशन करना नोट्स के अंदर भी, ज़्यादा टाइम पास की जरूरत नहीं, कंसेप्ट समझा देता हूँ ताकि रटना ना पड़े। बस्तर बटालियन के अंदर ये चीज़ है कि एक इक्वल जो है पॉपुलेशन के अंदर कह लो, अमाउंट तो नहीं कहेंगे, इक्वल नंबर कह लो, ठीक है। तो इक्वल नंबर के अंदर, अराउंड इक्वल नंबर के अंदर बोथ मेन एंड फीमेल, इन दोनों को, मेन एंड वेमेन, इन दोनों को रेस करा गया है, और इन दोनों को जो है जो बस्तर रीजन है वहीं से उठाया गया है। मतलब उठाना अभी ठीक है, गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन ठीक है, वहीं से जो है वहाँ के जो यूथ वगैरह हैं उन्हें यहाँ पर एम्प्लॉय करा गया है। ये जो बटालियन है ये CRPF के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर भी जो मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स हैं वहीं के यूथ वगैरह को लिया गया है, ताकि यूथ उन चीज़ों के अंदर ना उतरे और सही जगह पर आए, और उसके अलावा वहाँ पर भी उनके जो घर परिवार वगैरह, उनके जो भाई बंधु वगैरह, उन्हें ये रियलाइजेशन हो कि यार ये हैं अपने भाई बंदी हैं, समझ में, ठीक है। इसके अलावा सेकंड चीज़, यहाँ पर बस्तर बटालियन के अलावा मल्टीपल अलग अलग जो है वो रेजिमेंट्स वगैरह लाए गए हैं, जैसे कि कोबरा जो है बटालियन वगैरह, ये भी CRPF के अंदर ही है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा शानदार है, इसके अंदर जो है सिविक एक्शन प्लान बोलते हैं इसको, ठीक है, ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे, सिविक एक्शन प्लान बोलते हैं। सिविक एक्शन प्लान के अंदर ये चीज़ जो है ये ह्यूमनाइज करने की कोशिश करते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह हैं उनके, और एक कनेक्ट बिठाने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस कनेक्ट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप ये US वगैरह की बात करो, तो वहाँ पर जो नॉर्मल पुलिस फोर्स होते हैं स्टेबल एरियाज के अंदर, उनका भी गजब का कनेक्ट बिठाने की कोशिश करती है वो, ठीक है। और यहाँ पर जो है अपने यहाँ पर इतना ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जो एरियाज़ हैं, ठीक है, जो इनस्टेबल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी अपन काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह नहीं लगाते, तो ये कनेक्ट बिठाने की कोशिश करी गई है बिटवीन बिटवीन द नॉर्मल पीपल एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, ताकि वो चीज़ इतनी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं लगे, बहुत ज़्यादा कोई डरावनी नहीं लगे, ओह पुलिस वाले, पुलिस वाले, दरोगा साहब आ गए, दरोगा साहब, दरोगा साहब नहीं, ठीक
ठीक है, वो हमारे ऑफिसर हैं, वो हमारे जो है जो भी हैं, ठीक है, बहुत ख़ास ऑफिसर हैं, बहुत जो भी हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें एक आइडिया बने कि ठीक है, दीज आर नॉट द विलन्स इन द स्टोरी, समझ में आया। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा समाधान, एक ये भी चीज़ लेकर आएँ, तो समाधान इसको एज इट इज़ मेंशन कर देना। इसकी जो है बहुत लंबी चौड़ी फुल फॉर्म है, उस फुल फॉर्म के अंदर उतरने का कोई पर्पज़ नहीं है, तो समाधान इसको आप मेंशन कर सकते हो। सिविक एक्शन प्लान मैंने आपको बता दिया, टू ब्रिज द गैप विद पीपल। बस्तरिया बटालियन के बारे में मैंने आपको बता दिया, सीआरपीएफ के अंदर है, ट्राइबल यूथ को लेते हैं, इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट से ही लेते हैं। कोबरा के बारे में मैंने आपको बता दिया, सीआरपीएफ का ही है, और समाधान के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज़ जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या काम करा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तो सरेंडर एंड रिहैब पॉलिसी अपन ने चला रखी है, ठीक है, कि भाई आप सरेंडर करो, हम आपको बढ़िया रिहैब वगैरह देंगे वगैरह, ठीक है। दूसरी बात जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अपन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का यहाँ पे मतलब है कि एक तो अपन बैंक्स वगैरह, बैंक ब्रांचेस को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक ब्रांचेस के साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनकी पेनेट्रेशन इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर इनके अंदर इन्वॉल्व हो गए तो फालतू की चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो गए। इसके अलावा जो है करप्शन वगैरह को चेक करने के काफ़ी सारे अपन मैकेनिज्म्स वगैरह डिवाइस कर रहे हैं। करप्शन वगैरह को चेक करने के अलावा एक चीज़ अपन ये भी कर रहे हैं कि जो प्रॉपर कंपनसेशन वगैरह मिल जाए, ठीक है, तो कंपनसेशन के और ज़्यादा रैशनल तरीके वगैरह अपन जो है यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर कंपनसेशन और लैंड कंपनसेशन वगैरह मिले, है ना। एजुकेशन और स्किल्स इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, बैंक ब्रांचेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा रहे हैं, है ना। मीडिया पीआर प्लान भी एक चीज़ चल रही है, मीडिया पीआर प्लान भी बढ़िया चीज़ है। इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, इसके अंदर जो है रेडियो जिंगल्स, जो रेडियो के ऊपर काफ़ी सारे जो बढ़िया इनके जो भी प्रोग्राम्स वगैरह वो चलाते हैं, ताकि इनको लगे कि भाई ठीक है, दीज आर आवर पीपल, दिस इज़ आवर रेडियो एंड दिस इज़ आवर कंट्री, समझ में। इसके अलावा पैम्फलेट्स, पैम्फलेट्स काफ़ी सारे बांटते हैं, पैम्फलेट मतलब पी आर प्रोग्राम है पूरी तरीके से, है ना। जिस पैम्फलेट्स के अंदर बांटते हैं कि भाई दिस इज़ योर कंट्री, वोट फॉर योर कंट्री एंड वॉट एवर, ठीक है, जिस भी पार्टी के लिए वोट करो लेकिन आप वोट करो, और जो है आपका वोट मायने रखता है, और जो है अगर आपको कोई भी ग्रीवेंस वगैरह है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करो, अगर आपके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार वगैरह हो रहा है इस नंबर पे फ़ोन करो, यहाँ पर आओ, इससे बात करो, ये करो, वो करो, काफ़ी सारे, ताकि बहुत ज़्यादा लोग जो है अछूते न रहें, अवेयरनेस वगैरह फैलाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह काफ़ी सारी आती है, इन डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई हम पीछे होते जा रहे हैं। देखो, देर आर टू थिंग्स, एक तो रियल थिंग और एक परसीव्ड थिंग, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं इन एरियाज़ के अंदर। रियल तो ये है कि वाकई अपन काफ़ी सारे फेसेट्स के अंदर पीछे हैं, ठीक है, और वो मैंने आपको बताया भी हैं, तो इतने सारे फेसेट्स के अंदर अपन वैसे भी पीछे हैं। और परसीव्ड के अंदर ये चीज़ होती है कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती जो काफ़ी सारे आउटफिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़बरदस्ती इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा बुरी हालत, जैसे टेररिज्म के अंदर, वहाँ से बच्चों को, पाकिस्तान से जो है बच्चों को यहाँ पर भेज देते हैं कि तुम जाओ ये करो, जिहाद करो, ये करो, वो करो, वहाँ पर जो है अजान की आवाज़ तक नहीं सुनने देते, है ना, अजान की आवाज़ तक नहीं सुनने देते। उसके बाद वो यहाँ आते हैं, उनको समझ में आना बंद हो जाता है, यहाँ तो हर मतलब जो है पाँचों बार जो है अजान इतनी ज़्यादा लाउड है जितनी ज़्यादा लाउड और कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो परसीव्ड थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, परसीव्ड एक कंडीशन ऐसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जबकि ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में भी अपन काफ़ी जगहों पर पीछे हैं, ये भी सही बात है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही अपन जो है सद्दाम हुसैन की सरकार चल रही है, समझना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी एक अपन लेकर आए हैं। इस चीज़ को एज इट इज़ यहीं पे देख लो, अगर याद ना हो तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर उतरने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये बहुत लंबी छोटी डिबेट हो जाती है। फिर इसके बाद और क्या चीज़ है, नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक पर आने से पहले एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं अपन ने क्या पढ़ा उसको। तो यहाँ पे जो है अपन ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसको अपन ने डिस्कस करा, जिसके अंदर अपन ने देखा कि 1967 के बाद में नक्सलबारी रीजन से काफ़ी सारे जो ग्रुप्स वगैरह हैं वो एस्केप हो गए थे,
वो चले गए थे, और वो कहाँ पर चले गए थे, वो आसाम वगैरह के अंदर गए थे, लेकिन वहाँ पर इनको कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस वगैरह मिली नहीं थी। फिर अपन ने देखा कि कोलिशन वगैरह काफ़ी सारी बनाने की कोशिश करी थी, पीपल्स वॉर ग्रुप और उल्फा वगैरह के बीच में इनके लिंक्स भी इस्टेब्लिश हुए हैं, इसके पूरे अपने पास रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, लेकिन ये भी कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल निकली नहीं। आदिवासीज़ की अगर अपन बात करें तो आदिवासीज़ ने हैं जो है फाइनली इन्होंने अपना पूरा जो टारगेट वगैरह है वो शिफ्ट कर लिया था, और कहाँ पर शिफ्ट कर लिया था, तो आसाम और बॉर्डरिंग रीजन्स के जो आदिवासीज़ हैं इन पर शिफ्ट कर लिया था। और एक आनला करके एक जो है आउटफिट वगैरह बना भी रखा है, आनला के अंदर क्या है, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, समझ में आ। इसके अलावा ये जो है इस आनला को यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ भेजते हैं, और वापस ये यहीं पर आ जाते हैं। देन अपन रेड कॉरिडोर के ऊपर आए थे, रेड कॉरिडोर के अंदर अपन ने देखा था कि पहले तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, है ना, अब इसकी साइज़ जो है वो कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, 77% का रिडक्शन आया है, 77% का रिडक्शन आया है, ठीक है, पूरे पूरे रेड कॉरिडोर के अंदर। और ये जो रिडक्शन है, इस रिडक्शन के अंदर 2009 से लेकर के और 2021 तक का ये डेटा है, ठीक है। और इस रिडक्शन के अंदर प्राइमरीली करंट गवर्नमेंट वगैरह उन सब के बारे में अपन ने ये सब चीज़ें देख ली थी। और इसके अलावा और क्या चीज़ें, अब ये सिर्फ कुछ पॉकेट्स वगैरह के अंदर देखने को मिलते हैं, पहले बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने पूरा का पूरा जो है एरिया बना लिया था, जिसके अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ तो ऐसे भी थे यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था ना, कि काफ़ी सारे के अंदर ये पूरी तरीके से उसको नियर नियर इंडिपेंडेंस ही कर देते हैं उसकी, ठीक है। तो काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे भी थे जहाँ पर नियर इंडिपेंडेंस हो चुकी है, पूरी पॉलिटिक्स, पूरी इकोनॉमी वगैरह पूरी की पूरी जो है वो पूरी पूरी ऑटोनोमस हो चुकी है, काफ़ी सारे पॉकेट्स ऐसे कर दिए थे, लेकिन जो है अब वो सारे के सारे पॉकेट्स जो आपके ज़मीन पर आ चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा और क्या चीज़ है, बेल कर्व अपन ने देख लिया था, बेल कर्व के अंदर अपन ने देखा था कि भाई एक फितूर चलता है, फितूर चढ़ता है, फिर उसके बाद में एक पॉइंट पर रियलिटी वगैरह की आपको जो है पता पड़ जाता है। ये जो है कुछ इंटेलेक्चुअल्स वगैरह ये थियराइज करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद में अपन ने वर्क डन देखा था कि भाई सरकार ने क्या क्या काम करा है, तो सरकार के काम के अंदर एक तो अपन ने नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन, ठीक है, डॉक्यूमेंट,